हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं ऑटोकैड के एक नए कमांड के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं 3D एरे के बारे में, जो आपको होम टैब में मॉडिफाई पैनल में यहाँ पे आपको ड्रॉप डाउन मेन्यू में मिल जाएगा 3D एरे। ठीक है, तो जो 3D एरे है वो यहाँ पे दो तरीके के दिए हुए हैं। फर्स्ट है पोलार और दूसरा है रेक्टेंगुलर। ठीक है, तो दोनों सिंपल है, ईजी है। तो सबसे पहले हम एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे बना लेते हैं कि जिसको आपको एरे करना हो। तो यहाँ पे एक छोटा सा मैं बॉक्स बना लेता हूँ। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, देखिए, अब मैं यहाँ पे जाता हूँ एरे में। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आप कौन से प्लेन पे एरे बनाना चाहते हैं। देखिए, अभी जो मैंने प्लेन सिलेक्ट किया है वो मैंने टॉप व्यू में रह रहा हूँ, इसलिए वो है अपना टॉप व्यू और एक्स वाई जेड प्लेन, वो तो सेम रहेगा पर मैंने टॉप व्यू में देखा है। ठीक है, तो यहाँ पे टॉप व्यू में वो क्रिएट होगा। तो आपको ध्यान रखना है कौन सा व्यू आप ले रहे हैं। सबसे पहले ये आपको ये सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद एंटर दबाना है। एंटर दबाने के बाद यहाँ पे आपको दो चीज़ें पूछेगा, फर्स्ट है रेक्टेंगुलर, दूसरा है पोलर। तो आपको जो पसंद है वो आप सिलेक्ट कीजिए। तो पहले हम रेक्टेंगुलर देखेंगे, तो रेक्टेंगुलर पे मैं क्लिक करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको पूछेगा एंटर द नंबर ऑफ रो, तो आपको कितनी रो चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, मुझे 3 समझ लीजिए रो चाहिए, एंटर करता हूँ। एंटर द नंबर ऑफ कॉलम, तो कितनी कॉलम चाहिए, तो मैं यहाँ पे 2 कर देता हूँ, एंटर करता हूँ। ठीक है, एंटर द नंबर ऑफ लेवल्स, तो लेवल्स यानी कि अगर आप बिल्डिंग देखें तो ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर होता है ना, ऐसे लेवल्स होते हैं। तो इसी तरह यहाँ पे लेवल्स आ जाएंगे। तो मैं यहाँ पे अभी तो 1 ही रख रहा हूँ, एंटर दबाता हूँ। ठीक है, फिर डिस्टेंस है, रो के बीच में कितना डिस्टेंस होना चाहिए। तो मान लीजिए ये आपने बनाया है जो वो 10 का है, तो आप यहाँ पे 20 रख दीजिए। यहाँ पे भी आप 20 रख दीजिए, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए। ठीक है, 3 यहाँ पे आ गई, यहाँ पे आपने जो बनाया उसके हिसाब से यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो आप जैसा भी बनाना चाहते हैं ऐसा आप यहाँ पे बना सकते हैं, सिंपल है। अगर मैं यहाँ पे एक और चीज़ करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, अभी मैं जब 3D एरे में जाता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ, एंटर करता हूँ, फिर रेक्टेंगुलर में जाता हूँ, यहाँ पे मुझे नंबर ऑफ़ रो पूछ रहा है, मैं 3 दे देता हूँ, एंटर। नंबर ऑफ़ कॉलम्स मुझे पूछ रहा है, मैं 2 दे देता हूँ। फिर नंबर्स ऑफ लेवल पूछ रहा है, अभी मैं लेवल्स यहाँ पे 2 दे रहा हूँ। फिर डिस्टेंस में अभी क्या करता हूँ, मैं कम कर देता हूँ, मैं 5 कर देता हूँ। फिर डिस्टेंस भी मैं 5 कर देता हूँ। फिर लेवल्स का डिस्टेंस, अब लेवल्स का डिस्टेंस भी मैं 5 कर देता हूँ, एंटर करता हूँ। देखिए, अभी आपको थोड़ा यहाँ पे दिखने में कन्फ्यूजन जैसा लगेगा, आप देखिए यहाँ पे देख सकते हैं आप। अभी मैंने 2 कॉलम्स की थी और 3 रो की थी, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, और 2 लेवल्स है, तो ये फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर, देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा बहुत ईजी है, सिंपल है। अभी हम ये वाला हमने देख लिया, अभी हम क्या करते हैं, अभी हम जाते हैं दूसरे वाले ऑप्शंस में। अभी मैं जाता हूँ 3D एरे में, ये वाला सिलेक्ट किया, एंटर किया। अब मैं जाता हूँ पोलार में, पोलार यानी राउंड टाइप में। अभी ये भी सिंपल है, सबसे पहले आपको क्या करना है, तो एंटर द नंबर ऑफ आइटम्स इन द एरे, तो आपको कितने ऐसे चाहिए एरे में। ठीक है, तो आपको जितने चाहिए उसके हिसाब से आप यहाँ दे दीजिए। 6 चाहिए तो मैं यहाँ पे 6 दे देता हूँ। फिर आपको कितने एंगल तक चाहिए, जैसे पूरा 360 चाहिए या फिर 180 में चाहिए, कितने में चाहिए, तो मैं यहाँ अभी तो 360 दे देता हूँ। अभी मुझे यहाँ पे पूछ रहा है रोटेट एरेड ऑब्जेक्ट, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ अभी 9। मैं आपको उसके बारे में बताऊँगा। अभी मैं यहाँ पे दे रहा हूँ सेंटर। अब यहाँ पे ऑर्थो आप चालू कर लीजिए। देखिए, अब यहाँ पे सबसे पहले तो सेंटर देना है, तो यहाँ तक मैं दे देता हूँ सेंटर। अब किस लाइन के अराउंड वो रोटेट होगा, तो मैं लाइन को कर देता हूँ ऊपर। ठीक है, तो ये इस लाइन के अराउंड ये रोटेट हो गया, तो आप देख सकते हैं ऐसे, बहुत सिंपल है, ईजी है। अभी मैं क्या करता हूँ, अभी मैं आपको दूसरा एक चीज़ दिखाता हूँ। इसमें ये सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे, सॉरी, ये सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैंने क्लिक किया, उसके बाद मैं पोलार में गया। पोलार में जाने के बाद यहाँ पे एंटर द नंबर ऑफ आइटम्स इन द एरे, ठीक है, तो कितनी चाहिए। तो अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अभी मैं करता हूँ 4 ही चाहिए मुझे। फिर यहाँ पे पूछेगा कितने तक चाहिए, तो मैं यहाँ पे करता हूँ 180। उसके बाद आपको इस वाले ऑब्जेक्ट को रोटेट करना है, तो मैं करता हूँ यस, फेसिफाई सेंटर पॉइंट, ये मेरा सेंटर पॉइंट। फिर मैं
ये ऑर्थो चालू करके ये सेंट्रल लाइन को बढ़ा देता हूँ, ठीक है। तब देखिए 180 तक ही आया, आधे तक ही आया, और कितने क्रिएट किए, चार क्रिएट किए, और यहाँ पे आप देखिए ये रोटेट किया, देखिए अब यहाँ पे वो रोटेट हो रहा है स्क्वायर, ठीक है। ये दोनों स्क्वायर एक जैसे हैं पर ये यहाँ पे रोटेट हो रहे हैं। अगर आप यहाँ पे रोटेट नहीं रखते तो यहाँ पे जो ये ब्लॉक या फिर जो तैयार हुआ है वो इसके जैसा होता, ठीक है। तो आप एक बार ट्राई करके देखिए, सिंपल है, इजी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।